नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि मई के तीसरे सप्ताह से जुड़ी हुई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्था करम्बु कोम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। वह सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। 61 वर्षीय कोम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। अगले वर्ष के आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनावी विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। अटलांटिक के पार नेविगेशन करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मे फ्लावर 400 बन गया है। इस पोत को IBM और प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया है। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक 15 मीटर लंबा ट्रिमर लगा हुआ है जिसका वजन 9 टन है, जिसे 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने विवादास्पद हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, जिसका उपयोग किसान HTBT कपास की फसल में खरपतवारों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं। प्रतिबंध का कारण यह है कि किसानों द्वारा इस शाकनाशी के अधिक उपयोग से मिट्टी और मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत दंडित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में निम्न 6 स्थानों ने प्रवेश किया है, जिनमें वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट को तो शामिल किया गया। सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में गौतम ठाकुर को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ उन्हें RBI की प्रवर समिति के सलाहकार सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के MD एस जानकी रमन की अध्यक्षता वाली समिति की शुरुआत 1 मई 2021 से की जाएगी। सारस्वत बैंक की स्थापना वर्ष 1918 और इसके संस्थापक J.K. पुरुलकर थे। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। ये फंड 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल से जून के बीच दी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, जिसके विजेताओं को $2,50,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस घोषित किया। मोरक्को द्वारा प्रस्तुत संकल्प संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्य राज्यों द्वारा सप्रायोजित था और सर्वसम्मति से अपनाया गया था। आर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देशी प्रजाति है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 10 मई 2021 को एक आदेश के माध्यम से केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता
को 13 मई 2021 को कारोबार बंद करने से, बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया। आरबीआई ने कहा कि उसने लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 23(3)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झू रोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की है या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद संपर्क खो चुके हैं। वाहन के नीचे उतरने के लिए एक सुरक्षात्मक कैप्सूल, एक पैराशूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म के संयोजन का उपयोग किया। झुरोंग, जिसका अर्थ है अग्नि का देवता, गॉड ऑफ फायर, को तियानवेन एक ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। चीन का मार्स रोवर, जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग कहा जाता है, एक फोल्डेबल रैंप को चलाकर लैंडर से अलग हो जाएगा। एक बार यह तैनात हो जाने के बाद रोवर से कम 90 मार्स डे बिताने की उम्मीद है। पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। राज्य के 23वें जिले मलेरकोटला को संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है, जो कि एक मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर जी हैं। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र से कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। केंद्र अपने विशेषज्ञों के माध्यम से संभावित निर्यातकों को कृषि निर्यात की फार्म टू फोर्क श्रृंखला में विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करेगा। यह संबंधित पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करेगा। व्यवहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए निर्यात गृहों के दौरे का आयोजन करेगा, खरीददार विक्रेता बैठकें आयोजित करेगा इत्यादि। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताजी सब्जियां मिले। राज्य के बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग की एक इकाई मोमा ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन की खपत के लिए ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने और कृषि उपज की संकट बिक्री को कम करने के लिए सीएम की देखरेख में इस ऐप को लॉन्च किया। मोमा को क्षेत्र में काम करने का काम सौंपा गया है और सब्जी के नुकसान और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से चैनल फार्म का उत्पादन किया गया है। मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनी FPC विभिन्न खेतों से सब्जियों की कटाई करेंगी, फिर इसे संजेन थोंग और अन्य स्थानों में विभाग के परिसर में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में ले जाया जाएगा। अंत में उपभोक्ता के मोमा मार्केट ऑर्डर को उनके दरवाजे पर भेज दिया जाएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, इसलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय
बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीच रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संकल्प ने विशिष्ट संरक्षण उपायों को अपनाने का आह्वान किया और मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया था। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने अजंता नियोग को असम की पहली महिला वित्त मंत्री घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अब विधान परिषद जिन राज्यों में है उनमें पश्चिम बंगाल सातवां राज्य होगा। पहले पश्चिम बंगाल में 20 दलीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2021 21 मई को मनाया गया। भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर 2015 में चाय पर FAO अंतर सहकारी समूह IGG में भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी अब चीन के जोंग शानजान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 67.6 बिलियन डॉलर है, जो उन्हें विश्व का 14वां सबसे अमीर व्यवसायी बनाता है और एशिया का दूसरा। चीन के जोंग फरवरी तक सबसे अमीर एशियाई थे, जब उन्होंने मुकेश अंबानी, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष के हाथों यह स्थान गंवा दिया था। अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में रामकरण वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य के वर्तमान भारत के राजदूत विकास अवस्थी की जगह लेना है। अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई है और यहाँ की मुद्रा फ्रांक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने रमेश पवार को सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार कोच चुने गए हैं। उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और 31 एकदिवसीय मैच खेले हैं। BCCI के वर्तमान सचिव जय शाह जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बलजीत कौर और राजस्थान की गुणबाला शर्मा नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने 7,161 मीटर ऊंची माउंट पुमोरी चोटी पर भारत का ध्वज फहराकर देश का नाम रोशन किया। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वर्तमान गवर्नर बंधु दत्तात्रेय और राजधानी इसकी धर्मशाला और शिमला है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। ग्रिफिथ OCHA के मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत समन्वयक USG/ERC के लिए नए अवर महासचिव के रूप में
मार्क लोवाक की जगह लेंगे। ओसीएचए की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न शीर्ष स्थान पर रही, जिसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अदार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। वर्ष 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची का यह 8वां संस्करण था। भारत में जन्मे उद्यमी राजेश अग्रवाल को लंदन का उपमेयर नियुक्त किया गया है। वहीं लंदन के मेयर पद पर साजिद खान को नियुक्त किया गया है। भारत के इंदौर में जन्मे 48 वर्षीय राजेश अग्रवाल लंदन में कोविड-19 महामारी के बीच अपने देश में बेहतर निर्णय लेकर उन्हें इस बीमारी इस संकट से बचाने के लिए काम करेंगे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 22 मई को मनाया गया। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। जैविक विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है, जिसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर अनुवांशिक अंतर शामिल है, उदाहरण के लिए फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लों के बीच। इस वर्ष 2021 की थीम हम समाधान का हिस्सा हैं। इस नारे को पिछले वर्ष के अति महत्वपूर्ण विषय हमारे समाधान प्रकृति में है के तहत उत्पन्न गति की निरंतरता के रूप में चुना गया था, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का उत्तर बनी हुई है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 50 प्रथम श्रेणी के और 11 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं, जिसमें क्रमशः 134 और 14 विकेट उन्होंने लिए थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 1536 रन और लिस्ट ए क्रिकेट में 104 रन बनाए थे। लिस्ट एजुल्स लेकर्स लेजेंड के टॉप बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यह सम्मान उनकी विधवा पत्नी वैनेसा को माइकल जार्डन द्वारा समारोह में सम्मान के तौर पर उन्हें दिया गया था। उन्होंने 5 बार एनबीए चैंपियंस के विजेता रहे हैं और 1 जनवरी 2000 को इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, और पिछले जो वीडियोज हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।